गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ग्लैमर बाय निश। माय नेम इज निशी एंड कैसे हो आप सब, होप यू डूइंग ग्रेट। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये देसी करवा चौथ मेकअप लुक। एंड ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेड रेड सा लुक होने वाला है जो कि जनरली हम सभी लेडीज कैरी करते हैं करवा चौथ के दिन। सो या चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट या गाइस वीडियो में जाने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें एंड उसके बगल में एक छोटा सा घंटी होगा उसे भी प्रेस कर दे सो दैट कि मैं जब भी कोई भी वीडियोस डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड ऑल्सो कॉमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो गाइज विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो गाइज यहाँ हम सबसे पहले अपने फेस को हाइड्रेट करने से शुरू कर रहे हैं क्योंकि आप सभी इस दिन फास्ट में होते हैं एंड डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। सो इसीलिए हमारे फेस पे ग्लो बरकरार रहे एंड हाइड्रेटेड दिखे इसीलिए हम यहाँ पे टोनर यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का लेमन एंड कुकम्बर आई सीरम यूज़ कर रही हूँ सो दैट कि हमारे अंडर आईज भी हाइड्रेटेड रहे इसीलिए। सो उसके बाद मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, उसके 2 to 3 ड्रॉप्स अप्लाई करना है। एंड देन अगेन मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का ही मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, विटामिन ई मॉइस्चराइज़र, एंड उसको भी अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। एंड ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से नरिश करता है एंड हाइड्रेटेड बनाता है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कलर बार का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, अपने टी जोन एरिया में अप्लाई करना है इसे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लॉरियल का इनफेलेबल फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और उसको इस तरीके से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, साथ ही साथ नेक पे भी अप्लाई करना है सो दैट कि आपका शेड इक्वल लगे। एंड गाइज ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है एंड अगर आप सोच रहे हो कि लॉरियल का फाउंडेशन लेने के लिए जस्ट गो फॉर इट, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। एंड इसको इस तरीके से वेट स्पॉन्ज से इसको अप्लाई करना है पूरे फेस में डैबिंग मोशन में। एंड जितना आप अच्छे से इसको डैब करते जाओगे उतना अच्छा ये अप्लाई होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ, कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है। सो इसको मैं आईलिड एरिया, अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बोन्स, फॉरहेड, इन सारे एरियाज़ में अप्लाई करेंगे क्योंकि कंसीलर जो होते हैं आपके ब्लेमिशेस एंड पिगमेंट्स को हाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो इस तरीके से इसको अप्लाई कर लेंगे एंड वेट स्पॉन्ज से लेके ही इसको इस तरीके से डैबिंग मोशन में अप्लाई करेंगे। एंड देन उसके बाद अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी जो कि लूज कॉम्पैक्ट है मेबलिन का। एंड गाइज अगर मेरे रिकमेंडेशन पे जाओगे जस्ट गो फॉर इट, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है ये, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके फेस में अप्लाई होता है, क्रीसेस बिल्कुल भी बनने नहीं देते हैं। सो इस लूज पाउडर को मैं सबसे पहले अपने अंडर आई एरिया में अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि क्रीसेस यहीं पर सबसे ज़्यादा बनते हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रश से लेकर के अपने पूरे फेस पर भी अप्लाई कर लूँगी थोड़ा बहुत, एंड नेक पे भी अप्लाई करना है। देन उसके बाद मैं आईब्रोज सेट करूँगी, आईब्रोज के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल लिया है। तो यहाँ पे मैंने आईब्रो पेंसिल अप्लाई कर लिया है, उसके पीछे इस तरीके से स्पूली दिए रहते हैं। देन उससे मैं ब्रश कर लूँगी अपने आईब्रोज को इक्वल करने के लिए एंड दोनों आईब्रो यहाँ पे मेरे डन हो गए हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट लूँगी जो कि फेसेस कनाडा का आई शेडो पैलेट है। तो इसमें से मैं सबसे पहले व्हाइट शेड ले रही हूँ, इसको अपने पूरे लिड एरिया में अप्लाई करूँगी सो दैट कि मुझे एक ब्राइट बेस मिल जाए, सो दैट कि मैं इसके बाद जो भी शेड अप्लाई करूँ वो अच्छे से पिगमेंटेड लगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एलेक्सी स्टोन आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, उसमें से मैंने रेड शेड लिया है और उसको पूरे अपने आउटर वी एंड क्रीज लाइन एरिया में अप्लाई करूँगी। एंड उसके बाद इसको एक क्लीन ब्रश ले करके इसके एजेस को डिफ्यूज़ करेंगे ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। देन उसके बाद यहाँ पे मैं पिंक शेड ले रही हूँ और इसको क्रीज लाइन एरिया के ऊपर लगाऊंगी, एज अ ट्रांजिशन शेड इट विल वर्क। एंड उसके बाद उसी में से मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ, उसको अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो आउटर कॉर्नर है वो थोड़ा डार्कन लगे क्योंकि हमेशा आउटर वी पे थोड़ा डार्क शेड ही अप्लाई करना होता है। देन मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है, उसको अपने सेंटर लिड एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने हुडा ब्यूटी का शेडो पैलेट लिया है, उसमें से मैं ये गोल्ड शेड लेकर के कंसीलर के ऊपर अप्लाई करूँगी। इट्स अ कवर चौथ लुक एंड रेड पिंक गोल्डन ये सारे सुहागन पे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो आप भी कुछ इसी तरीके का कलर ट्राई करें, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, वरना आप अपने आउटफिट्स के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। नेक्स्ट मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे लैक्मे का आईलाइनर लिया है। सो उसको जस्ट एक नॉर्मल विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ एंड देन मैंने यहाँ पे शुगर का मस्कारा लिया है, उसको अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइज जो भी प्रोडक्ट अभी मैं यूज़ कर रही हूँ आपको उसका डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे वेट एंड
वाइल्ड का ब्राउजर लिया है उसे मैं कॉन्टोर करूंगी। तो इसको मैं हॉलो चीक्स एरिया में अप्लाई कर रही हूँ सो दैट कि जो मेरा फेस है उसकी चबीनेस थोड़ा सा कम दिखे, एंड देन मैं अपने यहाँ पे नोज भी कॉन्टोर करूंगी सो दैट कि नोज भी शार्पन दिखे, एंड फॉर हेड इन सारे एरियाज में भी आप कॉन्टोर कर सकते हो। क्योंकि हम यहाँ पे थके हुए रहते हैं बट हमें फ्रेश एंड ब्यूटीफुल दिखना है तो हम यहाँ पे ब्लश जरूर लगाएंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पे फेसेस कनाडा का ब्लश ले रही हूँ और उसको अपने चीक्स पे नोज पे अप्लाई करेंगे सो दैट कि हम लोग यहाँ पे फ्रेश लगे। एंड यहाँ पे मेरा कैमरा जो है वो आउट ऑफ फोकस जाने लगा था बार बार, पता नहीं उसे क्या हो गया था। सो देन हम यहाँ पे हाईलाइटर अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे मेबेलिन न्यूयॉर्क का हाईलाइटर लिया है, उसको हाई पॉइंट्स एरिया में अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे अपने फॉरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बोन्स, इन सारे एरियाज में अप्लाई करेंगे। ब्राबोन एरियाज में भी अप्लाई करना है एंड ऑल्सो ऑन माई इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज मैं इसको अप्लाई करूंगी। एंड अभी मैंने यहाँ पे NYX का सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ग्लैम 21 का ये लिपस्टिक है एंड रेड इन कलर है। सो इसको अप्लाई करने के बाद या योर आई एम डन विथ माई लिपस्टिक। तो यहाँ पे होता है मेरा लुक कंप्लीट। बिंदी, जूड़ा, मांटिका, सिंदूर एंड मंगलसूत्र ये सारी चीज़ें मैं पहन ले रही हूँ एंड यहाँ पे मैंने साड़ी पहना है एंड या। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये लुक? ब्यूटीफुल सा लगा ना, मुझे भी बहुत पसंद आया। सो गाइस, अगर ये आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक, कॉमेंट एंड अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर ले एंड घंटी भी बजा दे कि आप मेरा कोई भी वीडियोस मिस ना करें। सो गाइस, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।